मैं इस समय अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा क्षेत्र के हांडी गांव में हूं। बेलासा पंचायत लगती है, जनपद पंचायत है जोबट। यहां के ग्रामीणों के बुलावों पर मैं यहां पर हूं और इनके ग्रामीणों की अपनी समस्याएं हैं। ग्रामीण खुद मौजूद हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं। यहाँ एक छोटी सी बस्ती है और यहाँ कई समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईडो। तो ईडो भाई, ये बताओ कि हांडी में क्या क्या दिक्कतें हैं? आप लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे। हमारे को लाइट की दिक्कत है और खरुंदिया और हेडपम्प का स्कूल। आपके गांव में खंबे तो लगे? खंबे लगे हुए, लेकिन लाइट वो पेंचर हो जाती रास्ते में, एक फीस लगे हुए। हाँ, तो आपको कितने फेस के चाहिए? 3 फीस की लाइट चाहिए हमको। हाँ, तो अब हम मोटर चलाएंगे नहीं तो डीजल से कितना फसल करेंगे? गुजरात जा के थक रहे हैं। तो अभी ये है कि अगर आपको ये जो भी लाइट है सिंगल फेज की ये मिली तो आप जो गेहूं चने की फसल नहीं ले पाओ? नहीं, इससे ले नहीं सकते, ऐसे ही सिंगल फेज की है। तो ये बिजली सस्ती पड़ती है और डीजल महंगा? डीजल महंगा पड़ता है, 100 रुपये लीटर मिलता है तो कैसा फसल करें? गुजरात जा के थक रहे, कैसा बीबी बच्चा पूछे। तो मांग कहाँ कहाँ कर दी आपने वाली? हमने अलीराजपुर मांग किया और जो बट बोल के थक गए, बहुत साल हो गया तो कहीं नहीं होता, तो फिर अलीराजपुर जाके मांग किया। आपके विधायक कौन है? वो सेना पटेल। उनसे फरियाद करी? उनको तो बोल रखा था, वो सरपंच को बोलो कहते। सरपंच आते ही नहीं, बात ही नहीं करता। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे। 10 सरपंच हो गया तो वो ऐसे कैसे निकल देते। कितने साल से आप लोग परेशान हैं? 10-15 साल से परेशान है। आप बताओ और क्या दिक्कत है हांडी में? हमारे को खरुंडिया और हेडपम्प के दिक्कत है। मतलब कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, कितने घर हैं? 15 मकान है। और सरकारी हेडपम्प? सरकारी हेडपम्प नहीं है, हमारे खुद पैसे देके करवा रखे वो है। सरकार ने अभी तक कोई टंकी बनाई जल जीवन मिशन में? वो टंकी गांव में है ही नहीं, बनाए नहीं रखी। सरकार कह रही है कि तो कुछ साल बाद आपको सीधे टोटी घुमाओ और पानी मिल जाएगा। तो कहाँ से टंकी बनाए तो पानी वाल घुमाए? पाइपलाइन भी डल रहा? नहीं डल रखे। और स्कूल भी नहीं है? स्कूल नहीं तो बच्चे कहाँ जाते हैं? तो 3 किलोमीटर बिलासा जाते हैं। हाँ, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है? नहीं है। तो इसकी भी मांग की है आपने? हाँ, बोले ने। मिला आश्वासन? मिला वो? नहीं मिला, नहीं मिला। आप बताओ क्या क्या दिक्कत आती है? यही खरंजा चाहिए, लाइट 3 फेस की चाहिए, स्कूल चाहिए, हेडपम्प चाहिए, उतना चाहिए। आपको? हमको भी डीपी का जरूरत है और लाइट पानी है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत डीपी की है? डीपी नहीं है गांव में? नहीं है। तो ये जो सिंगल फेज है वो कहाँ से आ रहा है? सिंगल फेज से बिलासा से आ रहा है, 2-3 किलोमीटर। देखिए, 3 किलोमीटर दूर बिलासा है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये सवाल तो खड़ा होता है। और अधिकारी जब समीक्षा करते हैं विद्युत वितरण कंपनी के, तो क्या समीक्षा करते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ ग्राउंड पर आकर स्थिति देखें, लोग कितने परेशान हैं, उनकी फसल नहीं ले पा। फसल लेने में दिक्कत होती है दादा? फसल लेने में दिक्कत होती नहीं, गेहूँ चना कैसे ले? पानी तो कुएं में कर रखा है खुद अपने। मतलब खेती है, खेत है, पानी है, लेकिन आपके पास बिजली नहीं है? बिजली नहीं है तो कैसा करे? गुजरात जाओ न, फिर आओ। ये इनकी जो पीड़ा है ना, अगर सरकार सुन रही है, अफसर सुन रहे हैं, तो जरा खुद के होने पर उस पद पर विचार करें। इसको बोल तो उसको कोई करता नहीं, काम करवाता नहीं, सरपंच नहीं करवाता, कोई सरकार दे तो करवाए नहीं, हम कहाँ से करवाए, ऐसे बोलता। और अधिकारी लोग क्या बोलते? अधिकारी लोग हो जाएगा बोलते। मतलब सिर्फ कोरा आश्वासन देते हैं, झूठ मूठ का? झूठ मूठ का आश्वासन। चलो, और कोई बोलेगा? इधर आओ। बोलते नहीं आता? अरे ठीक है, बताओ क्या क्या तकलीफ गाँव में? सर, हमारी तकलीफ क्या है कि इधर गांव में क्या, हांडी गांव में हमारा खेती सब जमीन इधर है, गांव में क्या उधर कमी हो गई, सब भाई बस्ती सब इधर आ रही है। तो हमारे को ये तकलीफ है कि भाई खेती में पानी और लाइट की बिजली की व्यवस्था चाहिए। बाकी तो कई रोड खरम गया तो ठीक है हमको, बाकी खाली पानी की जो डिपो हो जाए, बिजली हो जाए, हमारा कुआ इधर कुआ खुदरा खापो सब मर्चियों ने, तो उनके लिए पानी के लिए व्यवस्था के लिए बिजली चाहिए। आपने सबके इंटरव्यू सुने होंगे,
आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और हांडी के इन आदिवासियों को अभी भी 3 फेज बिजली का इंतज़ार है। खंबे लगाकर सिंगल फेज देकर 3 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर लगाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और यहाँ के आदिवासी किसान अपनी रबी की फसल नहीं ले पा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ है अधिकारी, कहाँ हैं फील्ड के वो तमाम पंचायत इंस्पेक्टर, जनपद CEO जो जिनकी जिम्मेदारी है कि गांव में आकर लोगों से उनकी समस्याएं सुने। आपने सुना, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सरकार से विनती है, अफसरों से निवेदन है, हांडी की ओर रुख करें।